हाय, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जब भी बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। तो देखिए, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक टर्म होती है, जिसका नाम बोलते हैं हम वेरिएबल। कि वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को यूज करा जाता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने हैं तो हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है तो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो अगर सिंगल वैल्यू को स्टोर करना है तो हमारे पास में ऑप्शन होते हैं वेरिएबल का यूज करके। अब अगर हमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना है, मल्टीपल वेरिएबल चाहिए, तो मल्टीपल वेरिएबल्स की जगह पे हमारे पास दूसरा अल्टरनेट अवेलेबल है, एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, या बोल दें एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स, तो होता है एरे। तो मतलब जैसे अगर मान ली 10 वैल्यूज को स्टोर करना है सेम डेटा टाइप की, तो उसके लिए हम एरे का यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर काम करते हैं तो हमारे पास में कई टाइम पे ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमें सिंगल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर ना करके मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इस तरह के जो डेटा को स्टोर करना है उसके अंदर हमारे पास में काम में आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ए सिंगल नंबर, कैरेक्टर और बुलियन कैन डू, एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एन एरे ऑफ द अबाउट डेटा टाइप कैन डू। तो हमारे पास में क्या बोला गया, सिंपल टाइप ऑफ वेरिएबल या सिंपल टाइप ऑफ वेरिएबल जो सिंगल टाइप की है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स है। सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स मतलब सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, जो मल्टीपल एलिमेंट्स हो उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास में एरे है। लेकिन जो काम हम वेरिएबल से नहीं कर सकते और एरे से नहीं कर सकते, उस काम को करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज करा जाता है। उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप को एक ही वेरिएबल के अंदर हम यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्टूडेंट तो एक स्ट्रक्चर है, उसके देखिए फील्ड है नेम, दूसरा गया जीपीए, जीपीए तो आ गया 9.0, ये तो डेसिमल टाइप की वैल्यू है, जबकि सुनील स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, और वेरिएबल हमारे पास में स्टूडेंट है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बोल दिया, स्ट्रक्चर तो हो गया स्टूडेंट और ये हो गया उसके फील्ड या उसके उसकी प्रॉपर्टी नेम एंड जीपीए। तो इस तरह जब मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को सिंगल वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना है तो उस कंडीशन के अंदर यूज करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप्स को यूज करने के लिए स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम कह सकते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी स्ट्रक्चर ही होता है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा मतलब कि जैसे मान लिया अगर आपको किसी स्टूडेंट की बायोग्राफी या स्टूडेंट की प्रोफाइल को स्टोर करना है, तो आप उसके अंदर क्या क्या चेक करेंगे कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, वो कौन सी क्लास में है, उसका करंट जीपीए क्या है, सब्जेक्ट कौन से हैं, डेट ऑफ बर्थ कौन से। तो डेट ऑफ बर्थ हो गया डेट टाइम का डेटा टाइप, तो उसके अंदर डेट टाइम को स्टोर करना है। नाम जो हो गया वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के हो गए, लेकिन ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज एक ही बंदे की हो गई कि स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है। तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो सारा डेटा जो स्टूडेंट से रिलेटेड है उसका एक नाम आ गया, वो हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इनेबल अस टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। जैसा कि अभी मैंने बताया, स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हो सकता है, मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करने का जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंपल उसका नाम होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, या फिर उसके जो रूल डिफाइन करके पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। उसी तरीके से एरे को डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम आता है कि स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करने के कुछ तरीके होते हैं या कुछ रूल्स होते हैं। स्ट्रक्चर आर डिफाइंड विद सब फील्ड, जैसे कि हमने बात करी थी कि जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया तो इसके अंदर नेम आ गया, जीपी ये आ गया, उसके फील्ड और ये उनके स्टोर हो गया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब फील्ड्स होते हैं, लेकिन उनके भाई कंडीशन क्या है, एक तो स्ट्रक्चर का नाम होगा और उसके अंदर जो भी फील्ड्स होंगे उनकी टाइप होगा। नेम मतलब एक स्ट्रक्चर का तो नाम हो गया, उसके जो फील्ड्स होते हैं उनके क्या रेगुलेशंस हो गया, उसे क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहले तो उनका नाम होगा और उनका एक टाइप होगा। नाम मतलब इट हैज इट्स ओन नेम विच रिप्रेजेंट इट्स रिलेशनशिप टू द होल एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, कार डॉट नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ डोर इज द फील्ड, कार इज द स्ट्रक्चर। कार एक स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ डोर्स जो इसके अंदर फील्ड हो गया, इसका डेटा टाइप अलग हो सकता है इसके अलग से। ईच सब फील्ड ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक टाइप, द वैल्यू वैलिड टाइप आर द सेम एज फॉर एनी वेरिएबल। अब सब एक जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मल्टीपल सब फील्ड्स होते हैं। अब सब फील्ड्स के ऊपर जो अब बात करेंगे, सब फील्ड्स का कैसे नाम लिखा जाता है, जिस तरीके से वेरिएबल का नाम लिखा जाता है उसी तरीके से सब फील्ड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी तरीके से वो यूज कर सकते हैं।
सब फील्ड का डेटा टाइप कैसे होगा, जो एक नॉर्मल वेरिएबल का डेटा टाइप होता है वही एक सब फील्ड का डेटा टाइप होगा स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो रूल्स होते हैं, जो सिंटेक्स के लिए, वेरिएबल के लिए, वो सारे के सारे अप्लाई होते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर के सब फील्ड के ऊपर, मतलब स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज के ऊपर वेरिएबल के सारे रूल अप्लाई हो जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। स्ट्रक्चर पे एक अलग से नाम हो जाता है केवल उसका, जैसे वेरिएबल का नाम होता है वैसे स्ट्रक्चर का एक नाम हो गया, लेकिन उसके सब फील्ड के ऊपर जो भी होगा तो उस किस तरीके से पूरा डेटा टाइप डिफाइन होता है, किस तरीके से नाम डिफाइन होते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल सेम होता है जैसे कि एक वेरिएबल का होता है। अब एक्सेस कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि एक वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है तो उसका सीधा नाम लिख करके एक्सेस कर देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर इतने सारे मल्टीपल फील्ड आ गए तो उसको एक्सेस करने का पर्टिकुलर तरीका अलग होता है, तो कहते हैं उसको कहते हैं डॉट नोटेशन या फिर डॉट ऑपरेशन। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर लिखा था स्टूडेंट डॉट नेम, तो डॉट लगा रखा था कि उस डॉट से पहले जो भी लिखा हुआ था वो तो बता रहा था हमको कि स्ट्रक्चर का नाम, और डॉट के बाद जो लिखा हुआ वो हमें बता रहा था उस प्रॉपर्टी का नाम। तो डॉट एनोटेशन के थ्रू हम एक्सेस करते हैं स्ट्रक्चर को। टू रेफरेंस ए फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज ए डॉट बिटवीन द नेम ऑफ द वेरिएबल कंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ द फील्ड ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के नाम और प्रॉपर्टी के नाम के बीच में डॉट का यूज किया जाता है उसको एक्सेस करने के लिए। तो अब लास्ट में देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर का यूज क्यों करते हैं, स्ट्रक्चर की समरी क्या है। सिंपल, स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो भी चीज वेरिएबल्स या फिर एरे के थ्रू तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उन सभी कामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट इन ए सिंगल एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव एंड डिराइव्ड डेटा टाइप वेरिएबल। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा टाइप हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकते हैं। बाय यूजिंग स्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज द सम ऑफ ऑल मेंबर वेरिएबल साइज। जैसे कि इंटीजर टाइप कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा किसी भी सिस्टम के अंदर वो डिफाइंड होता है, कैरेक्टर की मेमोरी साइज भी डिफाइंड होती है, स्ट्रिंग की डिफाइंड होती है, डेसिमल की डिफाइंड होती है, बुलियन की डिफाइंड होती है, उसी तरीके से स्ट्रक्चर की डिफाइन होती है। लेकिन स्ट्रक्चर तो क्या है, मल्टीपल डेटा टाइप ऑफ कलेक्शन है, तो उसके अंदर जितने तरीके के टाइप्स ऑफ डेटा है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं, टाइप ऑफ फील्ड्स आ रहे हैं, उन सबकी मेमोरी को अगर काउंट करके सम कर देंगे तो उतनी साइज उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर की साइज होती है 1 byte। तो इस तरीके से पूरे पूरे हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जहां पे अगर वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, जहां एरे से यूज करने से काम नहीं होता, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं। ओके, थैंक यू।